डोईवाला में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। किसान नेता हरिंद्र बालियान ने कहा कि किसानों की मुख्य मांग मिल की मरम्मत करना है, जो 1 नवंबर तक पूरी होनी चाहिए। वहीं नए पेराई सत्र को 15 नवंबर तक शुरू किया जाए। डीजल, उर्वरक, दवाइयां, मजदूरी, कृषि उपकरण आदि के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक तय करने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष किसान यूनियन सुरेंद्र खालसा ने कहा कि पहले 2 पखवाड़े में डोईवाला सोसाइटी को इंडेंट में प्राथमिकता दी जाए, जिससे किसान समय पर गेहूं की बुआई कर सकें। मिल में किसानों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह और शौचालय की व्यवस्था और यार्ड को पक्का करने की भी बात कही। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी, जो पिछले दिनों 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के मिल को एक नोटिस दिया था, उस पर मिल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो कि गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल था और किसानों को यहाँ, जब किसान ट्रैक्टर ट्रॉली बैलगाड़ी और अपने साधन लेके यहाँ गन्ना लेकर के आता है, उसके लिए बैठने की, आराम करने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है मिल की तरफ से, जो अन्य फैक्ट्रियों में की जाती है। इसी तरह की 7 मांगे हैं जो कि अभी तक एक भी मांग नहीं मिल प्रशासन ने मानी है, और उसी के आज इनके संज्ञान में लाने के लिए कि जो हमारे 30 दिन पूरे हो चुके हैं, और इसके अलावा अगर ये नहीं मानेंगे तो हम आगे अपना जो है अनिश्चितकाल धरना देंगे। पर को यहाँ पर 7 सूत्रीय मांग का नोटिस दिया गया था, जो उसको आज 30 दिन पूरे हो चुके हैं, उसमें यहाँ के प्रबंधक के द्वारा कोई भी संज्ञान में कोई कार्य नहीं लिया गया है। उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वार्ता करते हैं प्रबंधक द्वारा से, जो उन पे 1 हफ्ते का समय ये किसान और दे रहा है। 1 हफ्ते के बाद अगर इन पूरी मांग 7 सूत्रीय मांगों पर कोई कार्य नहीं किया जाता है तो किसान 7 दिन के बाद यहाँ पर धरना रखने के लिए बाध्य होगा।